तो चलिए दोस्तों, आ गए हूँ आज आप लोग के लिए एक और नया प्रोडक्ट लेकर। जी हाँ, तो दोस्तों हम ले आए हैं दो ब्लूटूथ स्पीकर। ये है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। दोस्तों मैंने इसका यार अनबॉक्सिंग रिव्यू और इसके फीचर के बारे में हम टोटली बताए थे, लेकिन दोस्तों आप लोग यार कन्फ्यूज हो चुके होंगे। वो कैसे कन्फ्यूज हो चुके हैं दोस्तों, मैंने दोस्तों काफ़ी अनबॉक्सिंग किया है, रिव्यू किया, उसके फीचर बताए ऐसे ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर का, लेकिन आप लोग इसलिए कन्फ्यूज हो चुके होंगे कि यार हम कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर लें, हमारे बजट का कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर है, कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर में अच्छा सा क्वालिटी है, अच्छा सा बैटरी बैकअप है, अच्छा सा साउंड है, वो आप लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आज लेके आ चुके हैं ये दोनों स्पीकर को, आप लोग को बताऊंगा मैं टोटली, इसका दोनों का कंपेरिजन करेंगे और इसके साउंड क्लैरिटी और इसके फीचर के बारे में टोटली हम बताएंगे कि आप लोग को ये क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों ये दोनों देखने में दोस्तों दोनों स्पीकर सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग नाम है। तो दोस्तों ये है JBL ब्लूटूथ स्पीकर और ये है दोस्तों पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, लेकिन बट दोस्तों इसमें कंपनी का पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लिखा गया है और इसमें इसका कंपनी का नाम दिया गया है। तो दोस्तों दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे, तो चलिए दोस्तों दोनों का हम फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके फीचर के बारे में हम टोटली बताएंगे, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो चुका है, चलिए इसका पॉलिथिन हम निकाल लेते हैं फटाफट। इसका भी पॉलिथिन निकाल लेता हूँ और इसका भी पॉलिथिन निकाल लेते हैं। दोस्तों वेट की बात करो, ये JBL का वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसका थोड़ा कम लग रहा है। दोस्तों ये इसका हैंगिंग की बात करो, दोनों में सेम टू सेम हैंगिंग दिया गया है। और दोस्तों इसकी बटन की बात करो, दोस्तों बटन इसमें दोनों में ऊपर में बटन दिया गया है। तो दोस्तों इसकी बटन की बात करो, दोस्तों ये वाला JBL का बटन की बात करो, इसका रबड़ का पूरा बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए पूरा रबड़ का बटन दिया गया है, इसमें भी ऑन ऑफ वॉल्यूम अप डाउन के लिए मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इसकी बात करो ये पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का, यहाँ पर दोस्तों इसका टोटली यहाँ पर अलग ही डिजाइन दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छा से ये उभरा उभरा भी दिख रहा है। ये देखिए इसमें अलग से ये बटन प्रोवाइड किया गया है, इसमें पूरा ये रबड़ के साथ इसको दिया गया, इसमें पूरा अलग अलग प्लास्टिक का रबड़ दिया। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि आप इसमें एक स्टैंड मिल जाएगा, आपको स्टैंड मिल जाएगा मोबाइल को यहाँ पर रखने के लिए, ये इसमें एक अलग से फीचर ऐड किया गया है। और दोनों में दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पर भी इसका ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए सेम टू सेम ऑप्शन दिया है, यहाँ पर पूरा टोटली SD कार्ड पेन ड्राइव लगाने का सभी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये तो दोनों का सेम टू सेम है। और दोस्तों स्पीकर की बात करो, दोस्तों स्पीकर दोनों में सेम टू सेम स्पीकर डाला गया है, दो स्पीकर डाला गया है कंपनियों ने, मेरे को दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों इसके फीचर की बात करो, आपको इसमें दोनों में FM का ऑप्शन मिल जाएगा, SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑक्स केबल का ऑप्शन मिल जाएगा, मोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में सेम टू सेम है। और इसके ट्रांसमिशन डिस्टेंस की बात करूँ, ट्रांसमिशन डिस्टेंस दोनों में 10-10 मीटर का ट्रांसमिशन डिस्टेंस में। पावर सप्लाई की बात करो, आपको DC चार्जिंग पावर सप्लाई मिल जाएगा, सेम टू सेम है। और गाइस इसकी बैटरी की बात करो, दोनों में सेम टू सेम बैटरी आपको मिल जाएगा, 1000 mAh का बैटरी आपको प्रोवाइड किया गया कंपनी ने। और गाइस इसका मॉडल नंबर की बात करो, मॉडल नंबर आपको सेम टू सेम मॉडल नंबर मिल जाएगा, ASD113, इसका मॉडल नंबर सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो है स्पीकर का सेम टू सेम फीचर और सेम टू सेम इसमें दिया गया। दोस्तों एक इसमें ऑप्शन दिया गया है, बस एक ही आपको स्टैंड का ऑप्शन मिला गया है। लेकिन प्राइस की बात करो गाइस, प्राइस इसमें अलग अलग आपको प्राइस देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा 400 रुपये में और ये मिलेगा आपको 500 रुपये में, दोनों का प्राइस अलग अलग है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को म्यूजिक सुनाकर बताते हैं इसका म्यूजिक सीन आपको कैसा देखने को मिलेगा। कोई कहे तू कासिम है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे वो बुलाती है मगर। तो दोस्तों साउंड की बात करूँ यार, साउंड आप लोग को अच्छा खासा साउंड देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने एक और वीडियो बना चुका है इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और इसके फीचर के बारे में, तो बताया था मैं ये आप नंबर वन है। जी हाँ, साउंड की बात करो दोस्तों, साउंड आपको इसमें जबरदस्त साउंड मिलेगा। बेस की बात करो, बेस भी बहुत ही जबरदस्त है, हम इंडियन को पसंद है वैसे बेस इसमें प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छा साउंड है, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। इसकी साउंड की बात करो दोस्तों, साउंड आपको अच्छा खासा साउंड मिलेगा, लेकिन बेस की बात करो, बेस इसमें थोड़ा कम है। तो दोस्तों साउंड में ये जीतता है और फीचर के मामले में ये इसको एक्स्ट्रा दिया गया है, बट साउंड के मामले में ये नंबर वन है और ये कुछ फीचर के बारे में ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस ये तो है इन दोनों का फीचर, आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन नंबर वन है और कौन अच्छे प्राइस का है और कौन लो प्राइस का है। तो दोस्तों आप लोग चूज कर सकते हैं, आप अच्छा सा साउंड सुनना चाहते हैं, अच्छा सा साउंड क्लैरिटी लेना चाहते हैं, ये वाला आप ले सकते हैं, 500 रुपये वाले आपको अच्छा साउंड मिलेगा JBL का। और ये आप कम बजट में लेना चाहते हैं, आप कम साउंड सुनना चाहते हैं, ये आपको कम बजट में देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे हम कंपेरिजन वीडियो लाएंगे, हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कन्फ्यूज ना रहे, हम टोटली कंपेरिजन वीडियो लाएंगे कौन कौन सा आप लोग के लिए अच्छा है, कौन सा आपको अच्छा लेना चाहिए, हम आप लोग को टोटली बताएंगे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।